नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। आज के अभिमत में मैं आपके साथ दोस्तों तीन महत्वपूर्ण विषयों को, तीन महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा में हूं, जिसमें पहली तो है कि जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्विटर पर दो फोटो ट्वीट किए कविता के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ थे और मोदी जी योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। यह चित्र बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए और योगी कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरा किसान आंदोलन को लेकर है कि तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया। उसके बाद जो चर्चा परिचर्चा चल रही है, वाद विवाद चल रहे हैं, बयान आ रहे हैं, वह बहुत कुछ कह रहे हैं। पंजाब के जत्थेदार जी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने ऐसा करके, यानी कि जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इससे देश को बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ। और तीसरा, आज राजस्थान कांग्रेस का लगता है संकट जो लगभग 2.5 वर्ष से था वो कम हो गया, खत्म हुआ या नहीं ये तो आगे पता लगेगा, पर कम जरूर हुआ, मंत्रिमंडल का नया विस्तार हो गया। तो दोस्तों, अब आपके साथ चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी जी ने रविवार को सोशल मीडिया पर जो एक कविता लिखी, उसके कुछ बोल इस प्रकार हैं कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा बनाना है। ये कविता थी। कविता तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ जो योगी जी ने दो फोटो डाले हैं, उन दोनों फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं और वे योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। यानी कि यह दिखाने की बात है, बताया जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज से लोगों को पहले से भी चौंकाते रहे हैं। लखनऊ में जो बैठक थी सुबह रविवार को, वह देशभर के DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक व IGP यानी कि पुलिस महानिरीक्षकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी एक पर्सनल कॉन्फ्रेंस थी। तीसरे दिन राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे थे, टहल रहे थे, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता गंभीर चर्चा कर रहे हैं। अब यह चर्चा किस विषय को लेकर थी यह तो पता बाद में लगेगा, लेकिन आपको बताऊंगी जो बैठक थी वह देश के विभिन्न राज्यों के DGP और IGP की थी और जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर पूरे दिन मंथन चला। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी पूरा समय उपस्थित रहे और कहें तो उन्होंने सभी सत्रों में हिस्सा लिया। यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की और उस पर पूरे विस्तार पूर्वक उन्होंने उससे बैठक की। इसके साथ साथ एक संदेश दे गए कि जो अमित शाह जी ने कहा था कुछ दिन पहले, आपको ध्यान होगा, कि अगर योगी होंगे तो ही मोदी होंगे। तो यह स्पष्ट संदेश हो गया प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि योगी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, दूसरी चर्चा कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून वापस हुए हैं, 2 दिन हो गए, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। अब उसकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 27 नवंबर को किसान फिर से दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं और राकेश टिकैत जी के बयान सामने आए हैं कि तब तक आंदोलन वापस नहीं जब तक MSP नहीं। लेकिन इस बीच अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने एक बड़ा बयान जारी किया है, एक वीडियो देखा दिया है, इस वीडियो को देखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पता लग गया कि भारत सरकार ने 3 खेती बिल जिहड़े सी जिन्हां दे अगेंस्ट अंदोलन चल रहा सी बहुत वड्डा, वो 3 खेती कानून रद्द कर दिते। और खुशी वाली गल है, और खुशी वाली गल भी है कि इन्हां बिलां नूं रद्द करन दी जिहड़ी अनाउंसमेंट भारत सरकार वल्लों कीती है प्राइम मिनिस्टर साहब ने,
ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਟਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਕੀ ਆੜ ਮੇ ਸਿੱਖੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਨੇ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੀਏ ਹੈ ਉਸਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ ਮਨਸੂਬੋਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਾਂਟਨੇ ਕੇ ਥੇ। ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਇਹ ਆੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਤਬ ਇਹ ਬਾਤੇਂ ਆਤੀ ਥੀ ਕਿ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤੇਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਤਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਵਹਿ ਬਾਤੇਂ ਠੀਕ ਥੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਆ ਹੈ ਵਹਿ ਸੋਚਨੇ ਕੇ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਤੋ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੇਂ ਆਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਸੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਪਦਾ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਗੁੱਟ ਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੋਚ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਲਸਫੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਹਮੇਂ ਇਸਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੇਲਨੇ ਪੜਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਕਾ ਸਿਰਮੋਰ ਬਣਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਇਹ ਆੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਫੈਲਾ। ਖਾਸਕਰ ਹਮ ਦੇਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਤੋ ਥਾ ਹੀ ਯਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਜੋ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਏ ਔਰ ਬਤਾਊਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਤ ਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਭਵਤਾ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਵੋ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲੇ ਕਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਨਿਰਸਤ ਕੀਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਨਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਨੇ ਵਾਲੇ 700 ਕੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੋਗੀ, ਉਨਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੇਂ ਵਹਿ ਸਮਾਰਕ ਹੋਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਆ ਤੋ ਵਹਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ ਆੰਦੋਲਨ ਰਹਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ
बात जो कहा है स्मारक बनाने के लिए, पुष्टि करने के लिए कहा है कि इसलिए आंदोलन के नाम पर राज्य में स्मारक स्थापित होगा। अच्छी बात है, लेकिन आज महत्वपूर्ण यह भी है कि जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान अब सबको सोचने को मजबूर तो करेगा। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में 15 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जब से एक महीने बाद यानी कि दिसंबर 2021 में अशोक गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, इन 3 साल में सरकार ने क्या क्या झेला, क्या नहीं झेला, ये सब कुछ सामने रहा। मिशन कमल चला था, वह भी सबको ध्यान होगा, सचिन पायलट और उनके साथ कई विधायक हरियाणा के तावड़ू के रिजॉर्ट में रहे थे, वो भी ध्यान होगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए, वह सब कुछ ठीक हो गया था। सचिन पायलट ने बार बार कहा था कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूँगा, और अशोक गहलोत सरकार बचाने में कामयाब हो गई। खैर, आज जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 15 नए मंत्री जो शामिल किए गए हैं, वे विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, डॉक्टर महेश जोशी, रमेश मीणा, ममता भूपेश, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, जाहिदा खान, ब्रजेंद्र सिंह उला, मुरारी लाल मीणा व राजेंद्र सिंह गुड़ा शामिल हैं। इन 15 मंत्रियों में 5 मंत्री सचिन पायलट के खेमे के हैं, और जो सचिन पायलट खेमे के मंत्री हैं उनमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा और हेमाराम चौधरी ये कैबिनेट मंत्री होंगे, और ब्रजेंद्र ओला तथा मुरारी लाल मीणा ये राज्य मंत्री होंगे। दोस्तों, पहले सचिन पायलट पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जब सरकार गिराने चलाने का दौर चला था तो सचिन पायलट जी से कांग्रेस की प्रधानी भी चली गई थी और उप मुख्यमंत्री का पद भी। उम्मीद तो यह भी थी कि शायद सचिन पायलट दोबारा उप मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन आज वो हो ना सका। 5 अपने साथियों को मंत्री तो बनवा गए सचिन पायलट, लेकिन खुद का नंबर अभी नहीं लगा, शायद कोई और बड़ा दायित्व मिल जाए आगे आने वाले समय में। राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं। पिछले साल अशोक गहलोत ने जो आज मंत्री बनाए गए हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री, इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया था, और इसको लेकर सचिन पायलट बहुत दिन से नाराज थे। ये आपको ध्यान होगा, मीडिया की सुर्खियां बन रही थी कई महीनों से। आज केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से गहलोत ने फिर से उन सचिन पायलट के करीबियों को वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया है। सचिन पायलट ने रविवार को एक प्रेस वार्ता भी की और कांग्रेस के फैसले पर खुशी भी जताई। पायलट ने कहा कि जो कुछ कमियां थी उस पर कांग्रेस हाईकमान ने ध्यान दिया और उसे पूरा किया, माने तो अब सब ठीक है। पायलट ने कहा कि जो नई सूची है मंत्रिमंडल की, वह अच्छा और सकारात्मक संदेश देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने यह भी कहा कि अब उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई विवाद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, अब वे पूरी तरह से उनके साथ हैं। सचिन पायलट ने दावा और किया है कि 2023 में फिर से कांग्रेस आएगी। चलिए, भविष्य की बातें भविष्य में करेंगे, लेकिन आज लगता है कि राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मुद्दा था वो कहीं हद तक सुलझ गया, और कहें तो कांग्रेस के अंदर अब सब भालो भालो, सब ठीक है, बंगाली भाषा में कहते हैं जो। खैर, आज के अभिमत में हमने इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा की। कल फिर आपके साथ अभिमत में एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपको अभिमत कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसके साथ साथ हमारे इस देश रोजाना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।